नाम बोलिए। मीना, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मेरा बेटा बहुत नेगेटिव है और बहुत परेशान रहता है, रात को सोता नहीं, दिन को खाता नहीं, मतलब बेचैनी है, दिमाग स्थिर नहीं रहता, धैर्य नहीं है बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई पे मन नहीं लगता है, पढ़ाई से उग जाते एकदम, सोचता बहुत है कि मैं ये करूँ सो करूँ, पर कुछ उससे हो नहीं पाता। क्या लिखा हुआ है? मीना जी, आपके घर में मसान के देवता छोड़ रखे हैं, जो आपके पुत्र के ऊपर असर डाल रहे हैं, तथा एक महिला ने उसके ऊपर उग्र तंत्र कराया हुआ है, बश करके रखा है पुतले के माध्यम से, जैसा वो चाहती है वैसा ही व्यवहार आपका पुत्र करता है, क्रोधी हो गया है, चिड़चिड़ हो गया है, एवं पागल बनाने का तंत्र करके रखा है, पागल जैसी हरकतें कर रहा है, तथा घर से और अपनों से दूर करने का ये तंत्र क्रिया की गई, अपनों के प्रति मोह माया समाप्त हो चुका है, अपने में रहता है, अकेला पड़ा रहता है, सात मसान के देवता छोड़े गए हैं, सुकर दंती माता के आपको जाके दर्शन करने पड़ेंगे, यहाँ से जाने के बाद काट होगा जी। काट होने के बाद उत्तराखंड में सुकर दंती माता का मंदिर है, वहां पर जाके आप दर्शन करिए, वही आपकी कुल देवी है, उसके बगैर आपकी आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, पहले जाके उनसे आपको निवेदन करना पड़ेगा काट के बाद, फिर बाद में पेशी निरंतर करेंगे जी। घर में अशांति है जी, बिल्कुल सही, ठीक है, नष्ट होगी, पुत्र को तंत्र से मुक्ति मिलेगी सुकर दंती माता के दर्शन के बाद जी। घर में देवी देवता बंधे हैं, पितृ तो है ही नहीं, कई और शायद किसी ने बांध के रखे है, सारे रोग क्लेश अनबन आपस में न बनने का तंत्र है, इससे मुक्ति आप चाहते हैं, वही अनबन मतलब वही ना, क्लेश और अनबन, ठीक है, मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती, मतलब रोग लिखा है ना, रोग क्लेश अनबन लिखा तो है जी।